हेलो दोस्तों, बहुत दिन पर मैं ये वीडियो लेके आया। ये जो ब्लड आप देख रहे हो, ये एक नर्सिंग होम से, मेरा पेट से, लिवर से ये ब्लड को निकाला। और उसका बाद तो दोस्तों आप देख सकते हो, डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है और मेरा साथ ये हॉस्पिटल पर आया मेरा भाभी जी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत खर्चा हो गया और बहुत दोस्त ने हेल्प भी किया। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट दे दिया, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं डिटेल दिखाया। अभी दोस्तों मेरा लड़का का जो नाना जी है, मेरा साला बाबू, अभी ये मेरा सब कुछ हेल्प कर रहा है। तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ कलकत्ता, एक साथ भाभी जी और मेरा साला बाबू को लेके डॉक्टर दिखाने के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल। आज दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं देखूँगा, मैं अभी कलकत्ता जाने वाला हूँ। जो हावड़ा कलकत्ता का आसपास रहता है, ये सब कुछ रास्ता पाता है। और जिन्होंने बहुत दूर रहता है, मतलब अलग स्टेट पर, तो थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा कि दोस्तों अभी ये मैं NH6 नेशनल हाईवे पर एंट्री कर रहा हूँ। मेरा जो घर से कुछ दूर जाने के बाद, तो दोस्तों ये रास्ता से जाने का समय जो कुछ देखने को मिलेगा, मेन मेन इम्पोर्टेंट, वही मैं ये वीडियो के अंदर थोड़ा सबको देखूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों अभी मैं ये नेशनल हाईवे पर हूँ और दोस्तों बात करने के लिए मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों ये धूलगढ़ टोल टैक्स है, ये नेशनल हाईवे से जाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा ये प्राइवेट कार है, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस होगा तो टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो टैक्स देने के देने के बाद हम लोग NH6 से डायरेक्ट जा रहा हूँ कलकत्ता पर। तो दोस्तों यहाँ पर ही मिलेगा हावड़ा का सबसे बड़ा जो सब्जी मार्केट, सबसे बड़ा सब्जी मार्केट यहाँ पर ही मिल जाता है। तो दोस्तों हम लोग बहुत दूर आ गया, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये जो बाएं साइड एक बड़ा सा बिल्डिंग देखा जाता है, तो वेस्ट बंगाल का जो ममता दी का जो ममता दी का ये जो नवान्न भवन है, वो पार करके सीधा हमारा गाड़ी ये जा रहा है द्वितीय हुगली ब्रिज का ऊपर। तो दोस्तों मैं सब कुछ आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि ये जो द्वितीय बीच पर जा रहा है, यहाँ पर भी एक बार टोल टैक्स देना पड़ेगा कोलकाता एंट्री होने के लिए। तो दोस्तों ये साइड हावड़ा है और उसके बाद ब्रिज का वो साइड कोलकाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा गाड़ी जा रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पर गाड़ी का सामने देखिए मेरा साला बाबू है, बाएं साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड ड्राइवर है। और आपको इसी टाइम देखूंगा कि जो हुगली ब्रिज जो दोस्त बहुत दूर रहता है, वो पिक्चर का अंदर नेट का अंदर जरूर देखा हुआ हुगली ब्रिज। और मैं ये हुगली ब्रिज का ऊपर से ही जाऊंगा, तो इसीलिए पोजीशन पर मैं अच्छा करके एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मेरा गाड़ी अभी रुक गया क्योंकि अपर पेट्रोल देना पड़ेगा।
एक एक करके देना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के ऊपर मैं एंट्री कर रहा हूँ हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर गाड़ी थोड़ा रुक रुक के जा रहा है क्योंकि सामने बहुत अलग अलग कार है, इसलिए तब देख सकते हो। तो दोस्तों मैं चुप चुप करके ये वीडियो कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग बहुत दूर से जो जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हो, आप जरूर कमेंट करके बताएं ये कलकत्ता का अंदर द्वितीय हुगली ब्रिज आप कभी आया है कि नहीं, कमेंट करके बता सकते हो और कैसा लगा। तो दोस्तों अभी इसका राइट साइड ब्रिज के ऊपर काम चल रहा है, हम लोग ये लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ कलकत्ता के अंदर। तो दोस्तों ये जो ब्रिज है इसका लेफ्ट साइड से कलकत्ता का जो आरक सब बड़ा ब्रिज द्वितीय हुगली ब्रिज, दोस्तों ये द्वितीय हुगली ब्रिज है। और जो रविंद्र सेतु जो हावड़ा रेलवे जो स्टेशन है वहाँ से जो जाता है कोलकाता का ऊपर, वहाँ पर एक ब्रिज देखा जाता है, वो भी दोस्तों ये ब्रिज से देखा जाता है। बट तो दोस्तों मॉर्निंग का समय ये पॉल्यूशन का वजह है वो ब्रिज यहाँ पर नहीं देखा जाता है, तब को वो दिखाना चाहता हूँ इसके लेफ्ट साइड। ये साइड से देखिए पॉल्यूशन का वजह कुछ भी दिखा नहीं जाता है, मैं एक पिक्चर दे दिया। ये साइड ये ब्रिज है, तो उस ब्रिज पर आप कभी चला है कि नहीं कमेंट करके बता सकते हो और कैसा लगा आपको। दोस्तों मेरा घर से मैं जो हॉस्पिटल पर जा रहा हूँ 2 घंटा 2.5 घंटे के आसपास लग जाएगा। तो ब्रिज आप देख सकते हो कितना बड़ा ब्रिज है, ब्रिज से जाने के बाद वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो दोस्तों मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जिन्होंने मेरा कलकत्ता का बाहर दोस्त रहता है उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये जो रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये ब्रिज पार होने के बाद, तो दोस्तों विक्टोरियन मेमोरियल हॉल इस तरह बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ
पोजीशन काट कर दिया। अभी मैं इसी टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ, ये साइंस सिटी सबको पता है कोलकाता का अंदर, ये जो साइंस सिटी, तो मेरा ये जो रास्ता है ये रास्ता के पास से ही जाएगा आपको। मैं इस साइंस सिटी का एक अच्छा व्यू दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो ओवर ब्रिज साइंस सिटी का पास से घूम रहा है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, ये जो देखिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है, तो दोस्तों ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बिल्डिंग है। तो इसके ऊपर आप लोग कहीं चढ़ा है कि नहीं कमेंट करके बताएं। मैं इसका अंदर कभी नहीं चढ़ा, क्योंकि देखिए ये जो तीन बिल्डिंग दिखा जाता है, दो ब्रिज ऊपर से जॉइंट है। तो दोस्तों ये जो जॉइंट दो बिल्डिंग है, ये जो जॉइंट पोजीशन, तो इसका अंदर स्विमिंग पूल है ऊपर। तो दोस्तों ये जो स्विमिंग पूल है, ठीक है, आप कभी उसका अंदर गया होगा कि नहीं कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग का गाड़ी इसके पास से ही जा रहा है, आप देख सकते हो। मैं बहुत दूर से इसका व्यू दिखाया और नज़दीक से भी इसका व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो वॉइस बहुत कम सुला रहा है, इसलिए मैं मक्की चाहता हूँ। उसके बाद फाइनली दोस्तों मेरा जो हॉस्पिटल है, ये पर्सनल बेसरकारी फर्टिस हॉस्पिटल, यहाँ पर आ गया। इसका अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरा कार जो डायरेक्ट ये हॉस्पिटल का अंदर चला जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा तबीयत अभी पूरा ठीक नहीं है, थोड़ा एक इन्फेक्शन आ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर को मैं दिखाया, बोला बहुत दवाई दे दिया, दवाई खा रहा हूँ मॉर्निंग सुबह शाम दवाई खा रहा हूँ, और कुछ दिन 10-15 दिन लगेगा डॉक्टर ने बताया। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो फर्टिस कोलकाता का हॉस्पिटल है, गूगल पर नेट पर भी सर्च करके देख सकते हो। ये यहाँ पर जो कुछ डॉक्टर और सब कुछ चार्ज आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन पर। तो दोस्तों मेरा साला बाबू और भाभी जी मेरा साथ है, और देखिए मैं यहाँ पर आ गया अभी डॉक्टर को दिखाने के लिए, जो कुछ पेपर वगैरह वो दोनों रेडी कर रहा है। और मैं देखिए ये हॉस्पिटल का एक साइड बैठ रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।